जसपुर में गौ तस्करी के विरुद्ध पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। आपको बता दें कि पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह को कुछ लोगों द्वारा ट्रक में भारी मात्रा में गौवंश की तस्करी करने की सूचना मिली है, जिन्हें बाकारुमा से रांची ले जाया जा रहा था। इसी सूचना के मिलते ही पुलिस अधीक्षक ने तत्काल थाना प्रभारी के नेतृत्व में टीमें गठित कर हाईवे पर नाकाबंदी करने के लिए रवाना किया। इस दौरान पत्थल गांव की ओर से आ रहे ट्रक को रोकने का प्रयास किया। वहीं मौके पर पुलिस को देख ट्रक को रोककर चालक समेत अन्य लोगों ने फरार होने का प्रयास किया, जिसके चलते पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की। साथ ही फरार आरोपियों पर मामला दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी। पशु तस्करी के विरुद्ध जो लगातार अभियान चल रहा है, उसके तहत कल दोकड़ा पुलिस चौकी में रात को पुलिस को सूचना मिली थी कि एक ट्रक में मवेशियों को क्रूरतापूर्वक तस्करों के द्वारा लाया जा रहा है। उस सूचना पर पुलिस की एक टीम बना के भेजी गई थी और घेराबंदी करके ट्रक को रोका गया। उसमें से तीन जो आरोपी थे उसमें से दो फरार हो गए और एक जो है ट्रक से कूदा तो उसको पैर में चोट भी आई और पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया। पकड़ने के पश्चात उसके खिलाफ भी अपराध कायम किया जा रहा है, साथ ही ट्रक का मालिक उसको भी इसमें आरोपी बनाया जा रहा है। और चूंकि लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, इससे लोग जो है जसपुर के लोग भी काफ़ी जागरूक हो चुके हैं। इसी तहत दुलदुला थाना क्षेत्र में भी कल ग्रामीणों के द्वारा तस्करों को जो पशु को लेके जा रहे थे उनसे पूछताछ किया गया तो वहाँ भी 8 मवेशियों को जब्त किया गया है और उनके खिलाफ भी अपराध पंजीबद्ध किया जा रहा है। तो इस तरीके से हमारा जो अभियान चल रहा है, लगातार इस अभियान